हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं एक मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग का, फ्रांस वर्सेस बुल्गारिया के बीच। गाइस, 5:32 के बाद दिस मैच वाज रियली नाइस। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त मैच है फ्रांस वर्सेस बुल्गारिया का। इसमें विनिंग हो सकती है अगर आप चाहें, अगर हम दिमाग से टीम बनाएं तो। इस मैच की फाइनल टीम रहेगी तो आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर। आज मैं काफ़ी लोगों के रिप्लाइज नहीं दे पा रहा, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्चुअली क्या रहता है ना कि ये बहुत ही सेफ लिंक है, मतलब ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ मैं आप लोगों के साथ जस्ट इस वीडियो में अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं और नथिंग एल्स। तो चलते हैं दोस्तों आगे, ये प्रीवियस मैच की विनिंग आप आकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, बात करूं मैं इस मैच की तो फ्रांस वर्सेस बुल्गारिया के अंदर अगर मैं यहां पे वोटिंग भी डलवाऊंगा ना, पोल वोटिंग, तो यहां पे मेरे को पता है फ्रांस के 90% से भी ऊपर वोट आएंगे जीतने के, क्योंकि फ्रांस के पास तीन ऐसे इतने तेज तरार प्लेयर्स हैं कि भाई बुल्गारिया सोच भी नहीं सकती। तो यहां पे फ्रांस कन्फर्म जीतेगी, आई एम रियली कन्फर्म, 99.9% मैं फ्रांस के साथ हूँ। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर डैनियल नेमोफ। तो आपको पता है कि गोलकीपर एक ढंग का होना चाहिए, अगर फ्रांस के पास ग्रेट्स पेनल्टी टेकर हैं तो गोलकीपर ही पेनल्टीज रोक सकता है, और पेनल्टी रोकना गोलकीपर के हाथ में ही होता है। तो यहाँ पे पेनल्टी सेवर थोड़ा सा मैंने ठीक ठाक लिया, क्योंकि बुल्गारिया का जो भी गोलकीपर खेलेगा वी हैव टू ट्राई दैट, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूँ। एंड आगे से बात करूँ डिफेंडर की, तो आर वरेन यहां से लेने वाला हूं। वरेन यहां से, कि आपको पता है रियल मैड्रिड की टीम की तरफ से खेलता है, प्रीवियस मैच के अंदर जोरदार क्लीन शीट के साथ इन्होंने भाई मैच को जिताया था। और आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, इसका नाम है पर्सनल किमपेबे। तो इस प्लेयर को जिस बंदे ने अपनी टीम में लिया होगा, लिटरली ही वॉन, मतलब 100% ही वॉन, क्योंकि इसकी सिलेक्शन पिछले मैच में कम थी और ये प्लेयर मेन था नहीं। अब आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, बी पवार्ड को यहां से लेने वाला हूं। एक्चुअली पवार्ड को इसलिए ले रहा हूं, पिछले मैच में एल हर्नांडेस को ट्राई किया तो ये बंदा सब्स्टिट्यूट हो गया, जिस कारण इसको क्लीन शीट के पॉइंट्स भी नहीं मिले, जिस कारण मेरा हर्नांडेस पे भरोसा नहीं है। तो मैं इसकी जगह लूंगा वी एंटफ को, क्योंकि वैलेंटिन एंटफ को मैं इसलिए ले रहा हूं, पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम फ्रांस का कोई भी डिफेंडर और नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 7 प्लेयर्स पूरे हो चुके हैं। तो मेरे को मजबूरी मान लो या आप कुछ भी मान के चलो कि मुझे ये प्लेयर लेना ही पड़ेगा। बात करूँ मिडफील्डर की, पी पॉगबा, ये बंदा वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलता है, और पॉगबा एंड अनदर प्लेयर वॉस, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, एक है पॉगबा, एक है एन कांटे ओ डेम्बल, ठीक है, इन तीनों की एक बताता हूँ क्या हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई दो खेला तो हमको एक ही ट्राई करना है, वो कौन होगा, वो होगा डेम्बल। अगर पोगबा खेलेगा और डेम्बल दोनों खेलेंगे देन वी हैव टू ट्राई डेम्बल, क्योंकि डेम्बल का यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एन कैंटे का बहुत मान्य दिन है, काफ़ी बहुत लकी प्लेयर है, मतलब बहुत ही नीचे से उठा है प्लेयर, बहुत अच्छा है, सब पता है इसको, इतना बढ़िया खेलने वाला प्लेयर है ना एन कैंटे, लिटरली इट वॉज अमेजिंग, बट ये बेचारे को मौका दे नहीं रहे। तो आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, इसका मैं बिटसेंट, तो बिटसेंट कैरेजन, अब इसको मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि बुल्गारिया का एक ही लेफ्ट हैंड साइड फील्डर है जो कि टॉप का है, जिसका नाम है बिरसेंट, इससे बढ़िया नहीं। अब ये वुटोव की बात करूँ, ये भी मजबूरी, क्योंकि एंटोनियो के बारे में आपने सुना ही होगा, एंटोनियो वुटोव, तो ये बुल्गारिया का नॉर्मल प्लेयर है। आगे से बात करूँ स्ट्राइकर्स की, तो यहाँ पे तीनों स्ट्राइकर मैंने एक ही टीम के लिए हैं, एक है के मपैबे, द किलियन मपैबे वॉज अ नाइस प्लेयर, भाई जो बंदा न्यूमर की टीम में हो, मतलब पेरिस सेंट की टीम में न्यूमर हो और ये हो, तो इन दोनों की जोड़ी क्या जोड़ी है भाई, मपैबे के बेंजेमा एंड ग्रिज़मैन, एक बंदा टॉप की टीम का जिसका नाम है पेरिस सेंट, एक रियल मैड्रिड और एक है बार्सिलोना, मतलब भाई फादर ऑफ टीम्स में ये खेल रहे हैं। के बेंजेमा की बात करूँ तो पिछले मैच के अंदर इस प्लेयर से गलती हो गई, इस बंदे ने पेनल्टी मिस कर दी यार, पेनल्टी अच्छी भली आ गई थी, मेरे को भरोसा था कि ये पेनल्टी लेगा पर ये मिस कर गया, पेनल्टी आई भी फिर भी नहीं मार पाया पेनल्टी गोल, ये मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि बेंजेमा का तो इतना अच्छा गोल रेशियो है, फिर भी बेचारा चूक खा गया। और एक ग्रिज़मैन की बात करूँ, ग्रिज़मैन तो ऑलवेज इन फॉर्म, बट जिन लोगों ने पिछले मैच में के बेंजेमा को अपना कैप्टन किया था या वाइस कैप्टन, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत माइंडेड हैं, क्योंकि अगर आप सोचो अगर अभी ये गोल कर देता तो यही पॉइंट्स आप आराम से 50 टू 60 प्लस कर लो, मतलब 100 अचीव कर देता ये पॉइंट। आगे से बात करूं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन है के मपैबे एंड वाइस कैप्टन वॉज ए ग्रिज़मैन। तो ये मेरी टीम गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय।